Hello guys, welcome to my YouTube channel Robin Study Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. Guys, आज हम लोग का चौथा पार्ट यानी चौथा लेक्चर होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिसमें हम लोग देख लिए थे 2.1 तक क्वेश्चन, उससे पहले एग्जांपल को भी डील किए, और तीसरा पार्ट में आप लोग को मिला था उसके बाद थ्योरी मिला। आज हम लोग चौथे पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग का कुछ थ्योरी जो मेंशन करने के लिए क्वेश्चन में मिलेगी और उसका एग्जांपल देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसे आप लोग बीच कुछ फार्मूला छूट गए थे, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय, जैसे आप लोग टेंथ में पढ़ते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता था, इसी तरह पाई बाय टू यहाँ पर कॉस, जैसे यहाँ पर वहाँ पर बोलते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन पढ़ते थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन होता है। यहाँ पर साइन इनवर्स थीटा सिर्फ अपने एक दूसरे से अप्रोच है, ठीक, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाई टू, दूसरा होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, एक होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, यह तो आप लोग को मिला सिर्फ इनवर्सेस कोसेस, इनवर्सेस कोसेस में आप कुछ नहीं बचा, और आप लोग को इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फार्मूला करता है वह 11th का फार्मूला, जैसे आप लोग पढ़े हैं साइन a प्लस b, साइन ए प्लस बी का लाने का मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, जब इसका अगर प्लस में रहेगा तो प्लस ए में रहेगा साइन ए प्लस बी, अगर माइनस में रहे तो माइनस में, ठीक। तब देखिए कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी पूछा जाएगा तो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन, ठीक। जब अगर प्लस में कॉस रहेगा तो माइनस ए इसका फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन। इसी तरह आप लोग का टेन का फॉर्मूला देखिए, टेन का यूज सबसे ज्यादा क्योंकि वैल्यू भी देता है छोटा टेन, और सबसे उपयोगी भी है टेन, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन, ठीक, टेन ए प्लस बी उसके बाद टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, समझ गए क्या होता है टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कभी कभी फॉर्मूला सब आप देख लिए तो मिटाते हैं, एक चीज दिखाते हैं अभी 11th का, और फॉर्मूला हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, अगर आपको और फॉर्मूला देखना चाहिएगा तो मेरा एक तो और वीडियो डाला हुआ है सिर्फ और फॉर्मूला करने का, उसमें देख लीजिएगा, ठीक। अगर अभी क्वेश्चन आप लोग डील करिएगा कहीं सपोज आया जाए इसमें आप लोग चर्चा कर देते हैं, ठीक। पूछा जाएगा साइन टू ए, साइन टू ए होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक होता है, उसके बाद कॉस टू ए बराबर, कॉस टू ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका कॉस का चार फॉर्मूला होता है जो कि सब उपयोगी होता है, सबसे ज्यादा आप लोग का कॉस टू ए का ठीक, दूसरा फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, तीसरा होता है टू साइन सॉरी वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, चौथा होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा वन प्लस
टेन स्क्वायर। ठीक, तो कॉस का चार फॉर्मूला यह बहुत ही उपयोगी फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ से निकाला जाता है, जैसे वन बाय कॉस टू ए, जैसे माइनस में इसे प्लस में आ जाएगा, वन जैसे प्लस में बनाएगा उसके बाद कॉस टू ए, अपोजिट साइड ले लेगा, जैसे साइन का लेगा यू साइड जाएगा तब तो साइन टू, जैसे वन माइनस टू कॉस ए रहेगा तो फॉर्मूला माइनस में रहेगा तो सीधे साइन टू ए, टू साइन स्क्वायर ए। ठीक, उसके बाद जब अगर पूछा जाए तो साइन स्क्वायर बराबर कभी कभी लिख लीजिएगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी वन बाय कॉस टू ए बाय टू। ठीक, इसी तरह अगर पॉजिटिव वैल्यू लेगा वन प्लस कॉस टू ए तो टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक, आधा के लिए सीधे जैसे पूछा जाएगा वन माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर ए बाय टू, इसी तरह वन प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए बाय टू। ठीक, तो वन को आधा हो जाता है। ठीक, देखिए आप टेन का देख लेते हैं, देखिए टेन टू ए का फॉर्मूला, टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है टू टेन ए बट वन माइनस टेन स्क्वायर। ठीक, होता है। और टेन थ्री ए का फॉर्मूला देखिए, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यू ए बटे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर। ठीक, यह फॉर्मूला उपयोगी होता है पांच नंबर क्वेश्चन में। ठीक, जो जो यूजेज है उसके बारे में हम लोग चर्चा की। अगर अलेवेंथ का फॉर्मूला पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो उसमें से आप लोग देख कर डील कर सकते हैं। ठीक, तो देखो, तो अब हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए, लगभग लगभग आपको कुछ फॉर्मूला नहीं बचा, तो आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का। उससे पहले एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दो तक हम लोग देख लिए थे, आज तीसरा नंबर एग्जाम्पल से देखिए। तीसरा नंबर एग्जाम्पल दर्शाइए कि तीसरा नंबर एग्जाम्पल उदाहरण तीसरा का फर्स्ट है साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स x। ठीक, इसका डोमेन या रेंज पे ध्यान नहीं दीजिएगा तब पर भी चलेगा, देख लीजिए लेकर वन बाय रूट टू। ठीक, माइनस वन बाय रूट टू से वन बाय रूट टू तक दिया हुआ है इसका रेंज। ठीक, अगर आप लोग को यह नहीं पता है तो इसको तब पर भी छोड़ के रखें, जिसमें पूछ रहा है वही काम के। साइन इनवर्स टू एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स रूट करना है। तो एल एच एस टर्म क्या है, यह एल एच एस या आर एच एस, एल एच एस टर्म जो है उससे चलिए क्या होगा साइन इनवर्स टू एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर यह है। ठीक, हमको प्रूव करना है साइन के टर्म में, अगर जिस टर्म में ऐसा क्वेश्चन रहे प्रूव करना कहे तो एक्स का वैल्यू लेट कीजिएगा उसी टर्म में। देखिए लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, जब थीटा इज सेट साइन आएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक, जैसे आप लोग जैसे इसमें दिया हुआ है साइन के टर्म में प्रूव करना है साइन के टर्म में, क्योंकि बिहार के गीत में तो बिहार में ब्याह के गीत गाया जाता है, इसलिए तो पंडित जी तो ब्याह के दिन में ब्याह को नहीं कहते मंत्र पढ़ेंगे न तो शरारत पढ़ेंगे, बोले वही बात। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तो साइन इनवर्स यहाँ पर 2x है तो 2 और x के जगह पर sin थीटा, 2 sin थीटा into root under 1 minus x के जगह x स्क्वायर तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर। देखिए sin इनवर्स 2 sin थीटा into root under, देखिए आप लोग एक पढ़े होइएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या होगा 1 minus sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर क्या होगा root under 1 minus साइन टू थीटा। आप देखिए प्रॉपर्टीज
फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। यहाँ पर टू थीटा है तो क्या आ जाएगा बाहर, टू थीटा, और टू और उसके बाद थीटा को क्या आया, साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आर एच एस फुल रूट। कुछ था तीन नंबर क्वेश्चन में आर एच एस फुल रूट। तो देखिए हम लोग तीसरा का ये देख लिए, अब तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देख लिया, इसको निपटा दे, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए ठीक। तीसरा का दूसरा जो क्वेश्चन है, रेंज सिर्फ 1/√2 से 1 ठीक, और यहां पर क्या करना है, सिर्फ cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, सब कुछ सेम, sin इनवर्स 2x into root under 1 minus x square is equal to 2 cos इनवर्स x, रेंज cos 1/√2 से 1 ठीक। तो देखिए इसमें भी LHS टर्म से चले, क्या बोले थे ब्याह में पंडित जी, सनातन गीत नहीं गाएगा ठीक, तो पूर्व क्या करना है, cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, तो लेट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x ठीक, cos इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद पूर्व छूटा कर दिए, sin इनवर्स 2x x के जगह पर cos थीटा into root under 1 minus cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, x स्क्वायर है ठीक। तो देखिए साइन इनवर्स थीटा तो क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा into root under 1 minus sin square cos square थीटा के लिए क्या लिखेंगे, sin थीटा, क्योंकि sin square थीटा plus cos square थीटा, sin square थीटा बराबर क्या हो जाएगा, root under 1 minus cos square थीटा, उसे ले जाएगा plus में minus में, तो sin थीटा बराबर root under 1 minus cos square थीटा ठीक, तो sin थीटा हो जाएगा। आदि अब हम लोग गुणा में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा की जगह कर लीजिए कॉस थीटा होगा, देखिए 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा किसका होगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, अभी जस्ट देखें तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स प्रॉपर्टी फर्स्ट, तो 2 थीटा से क्या होगा, 2 और थीटा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल एल एच आर एच स्क्वायर ठीक। तो प्रूव दिया, आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे, तो आई होप ठीक। देखिए आप लोग को आप चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए ठीक। उदाहरण नंबर चौथा, एग्जांपल नंबर चौथा, अगर कोई भी बोर्ड से हैं आप लोग बिहार बोर्ड के कोई भी बोर्ड, तो आप लोग यह फॉलो कर सकते हैं चैनल। देखिए सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, चौथा नंबर क्वेश्चन में ऐसा है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, क्या करना है, 3/4। तो देखिए LHS टर्म जो है उसी के टर्म में चलिए पहले लिख दीजिए ठीक, प्लस tan इनवर्स 2/11 दिया हुआ है। अब हम लोग एक चीज फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y के टर्म में लग रहा है, ये x ये y, tan इनवर्स x प्लस y के टर्म में दिख रहा है, तो x प्लस y के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, तो देखो फॉर्मूला पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x plus y बटे 1 minus xy, ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे ठीक। तो देखिए फॉर्मूला पर बैठा ही tan इनवर्स x का काम करेगा 1/2, y का काम 2/11 बटे 1 minus xy 1/2 into y का वैल्यू 2/11 ठीक। तो देखिए tan इनवर्स अगर ये दोनों समान है, कटने वाला रहेगा तो आप काटने के लिए चर्चा ना, क्योंकि यह दोनों कट कटेगा, क्योंकि ऊपर नीचे में है चौथा दूसरा ठीक। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आएगा, 22 11 + 4, नीचे क्या आ जाएगा, 22 - 2/22। देखिए चौथा से कौन लग गया ऊपर का, इस चौथा से तीसरा, अब देखिए क्या हो जाएगा,
टेन इन वर्स 11 4 15 इसमें 15 बटे 22 में हो जाएगा 20। देखिए कटना है 5 किया 15 5 जो 23 टेन इन वर्स 3/4 यानी आर एच एस को प्रूव करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे 14 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो बिटा दे अगर थ्योरी का क्लास आप लोग पूर्ण रूप में अच्छी तरह से देख लिए तो बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। अगर थ्योरी नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। और हम तो हर एक थ्योरी क्लास और जो क्वेश्चन बताते हैं उस वक्त हर एक दिन को करते हैं। आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, तब पर भी आइए तो क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है टेन इनवर्स कॉस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। पांच नंबर क्वेश्चन है टेन इनवर्स कॉस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, इतना है। कहता है क्या, इसका रेंज दिया -π/2 से 3π/2 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि छोटा जखने सरलतम रूप में यानी कि सिंप्लीफिकेशन। ठीक, तो देखिए गर्मी बहुत है तो आप लोग समझ रहे हैं इतना मेहनत से वीडियो बना के आप लोग के पास जा रही है, तो आप लोग एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, देखिए टेन इनवर्स कॉस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, इसको यानी कि सिंप्लीफिकेशन सरलतम रूप में करना है। तो देखिए टेन इनवर्स कॉस एक्स के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखे थे अभी तुरंत फार्मूला cos 2a इज इक्वल टू क्या लिखे थे, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक, यहाँ पर cos a रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस sin स्क्वायर a बाय 2, जस्ट इसके लिए तो हो जाएगा cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2। ठीक, और 1 के लिए क्या लिखेंगे, होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो सही है ना, इसको इधर कर देंगे। ठीक, हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स के लिए, जैसे साइन 2a बराबर क्या लिखे थे हम लोग, 2 साइन a इनटू कॉस a, यहां पर क्या है साइन a, साइन a क्या हो जाएगा 2 साइन a बाय 2 इनटू कॉस a बाय 2। ठीक, आ रहा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो जाए। तो देखिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो देखिए टेन इनवर्स क्या हो जाए, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस मेरे कॉस साइन एक्स बाई 2। यहाँ तक आप लोग देख लिए, ठीक, बट देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन इंटू 2 ए बी हो गया, क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए वो माइनस प्लस से स्क्वायर कैंसिल हो जाए। ठीक, तो अब बचेगा क्या, टेन इनवर्स कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 बटे कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। ठीक, तो अब आ गया आप लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे तो हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। देखिए ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, कॉस एक्स वाई टू से अंश और हर में भाग दे देते हैं। ठीक, कॉस एक्स वाई टू से भाग दे देंगे अंश तथा हर में, क्या करेंगे कॉस एक्स वाई टू अंश तथा हर दोनों में कॉस एक्स वाई टू से भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देने पर। ठीक, भाग देने पर कितना समझ गए, क्या करेंगे भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई 2, उसमें एक्स बाई 2 देखो कॉस एक्स बाई 2 बटा कॉस एक्स बाई 2 सीधे सेपरेट में हम लिख रहे हैं साइन एक्स बाई 2
बटे कॉस एक्स बाई टू, एक बार आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे करके। उसके बाद नीचे है कॉस एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू। हम लोग जगह सम निकालते हैं, इसमें स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू से आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, इसमें भी कॉस एक्स बाई टू से। तो देखिए इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, टेन इनवर्स वन प्लस टेन एक्स बाई टू बटे वन माइनस टेन एक्स बाई टू। तो आप लोग वन के लिए टेन कितना डिग्री का मान वन होता है, टेन की चर्चा हो रही है तो उसमें टेन ही का मान रखें। तो वन के लिए टेन इनवर्स वन की जगह पर टेन पाई बाई टू, टेन पैंतालीस डिग्री का मानिए प्लस टेन एक्स बाई टू इंटू बटे वन माइनस टेन इंटू टेन भी टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स बाई टू, लेकिन इसको गलती की है ना, क्योंकि वन इंटू टेन एक्स टेन पाई बाई फोर का वैल्यू वन होता है, इसका टेन एक्स बाई टू वन टेन एक्स बाई टू ही रहेगा। तो टेन इनवर्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आ गया, टेन क्या आ जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक, तो देखिए टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है, क्या आ गया सर पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन है कॉट इनवर्स वन बाय रूट अंडर वन माइनस, सिक्स नंबर क्वेश्चन है कॉट इनवर्स वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कुछ आगे लिखा हुआ है नहीं, तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन को सरलतम रूप में, सिर्फ इसने भी कहा है सरलतम रूप यानी कि सिंप्लीफिकेशन छोटा। तो देखिए जब हमको कॉट इनवर्स वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इसको प्रूव करके सरलतम रूप में लाने के लिए यहाँ पर अंदर में कॉट को बनाना अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि दो टर्म है या दो टर्म रहेगा तो हम लोग यही सोचेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ठीक, तो देखिए तो लेट करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो हमको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा और sec प्लस 1 है इधर रहेगा माइनस 1 है, tan माइनस में तो sec प्लस में, तो tan स्क्वायर लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा sec थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा sec इनवर्स x होगा, sec इनवर्स x देखिए पुट अप कर दिया x का वैल्यू cot इनवर्स 1 बाय रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sec स्क्वायर थीटा उसे प्लस 1 है कि sec माइनस 1 है, माइनस में tan है तो sec tan स्क्वायर हो जाएगा, tan थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, यहां के लिए क्या लिखेंगे tan थीटा cot इनवर्स 1 बाय tan, क्या होगा cot इनवर्स 1 बाय tan थीटा के लिए क्या लिखते हैं cot थीटा 1 by 10 थीटा, cot थीटा बराबर 1 by 10 थीटा, तो cot इनवर्स cot x बराबर x होता है, क्या cot इनवर्स cot x बराबर x, यहां थीटा इधर थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आया sec इनवर्स x, यही आप लोग का सरलतम रूप sec इनवर्स x, sec इनवर्स x। आप सातवां नंबर क्वेश्चन सीध करने के वाला है तो देखिए उसको भी देख लेते हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए। देखिए हम लोग सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट जरूर करें, हम उस क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखो सात नंबर क्वेश्चन है, सात नंबर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू बटे वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये पूछ रहा है थ्री एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और इसका मॉड ऑफ लेस देन वन बाय एक्स का। ठीक, यहाँ तक अब लोग प्रूव करना है एलएचएस टर्म से आरएचएस टर्म से कौन से चले, अगर सपोज दैट आप लोग ऐसे चल रहे हैं एलएचएस टर्म टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स की। ठीक,
तो सपोज यार आप लोग को मालूम आता होगा tan इनवर्स x + y का फार्मूला लगाएंगे उसमें भी निकल जाएगा। हां एक बात सत्य है, tan इनवर्स x + y का लगा दीजिए, tan इनवर्स x + y x² + 1 - x (2x) - x² ठीक, यहां तक कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, tan इनवर्स इसका लिख दीजिए x माइनस एक्स क्यू प्लस 2x बटे 1 - x² - 2x² - 1 - x² चार से तीसरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा tan इनवर्स, तो 2x यहां पर एक 3x हो जाएगा माइनस एक्स क्यू बटे 1 - x² और 2x² क्या हो जाएगा 3x², यानी कि ऑलरेडी आप लोग का आ रहा है स्टार भी है प्रूव हो गया। ठीक, इतना भी कर दीजिएगा तो गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन 5 नंबर में पूछेगा या क्वेश्चन पूछ ले या 3 नंबर में, तो ऐसे बनाना, ऐसे भी बनाइएगा तो गलत नहीं करेगा, लेकिन एक आधा नंबर रहेगा कि फार्मूला से, लेकिन फार्मूला होता है तो काहे ना प्रूव कर सकते हैं सत्य। ठीक, अगर आप लोग को ऐसे नहीं पता है यह विधि बहुत अच्छा है। ठीक, tan इनवर्स x + y देखिए तीसरा हुआ, अगर लेंथ बनाना चाहते हैं 5 नंबर में पूछा जाता है तो आप लोग घबरा गए नहीं, सिर्फ RHS से चलें tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 - 3x। ठीक, और लेट कर लेना है जिस टर्म में है उसी टर्म में, x के यहाँ tan इनवर्स अंदर में भी tan इनवर्स tan आएगा तो कुछ देगा, x इज इक्वल टू tan थीटा कर लीजिए, तो क्या थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x। ठीक, देखो पुट अप करो, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बटे 1 - 3 tan² थीटा। देखिए अंदर में एक चीज आप लोग पढ़े होइएगा, जस्ट अभी हम लोग फार्मूला 3 tan थीटा का फार्मूला क्या लिखे, 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बटे 1 - 3 tan² थीटा, यहां पर है। लेकिन इसमें वही दिख रहा है, यहाँ पर हमको क्या करने tan इनवर्स tan 3 tan x 3 थीटा इज इक्वल 3 i² थीटा को क्या लिखते हैं tan इनवर्स x। आप लोग कहिएगा 3 tan इनवर्स x का, 3 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है, अब इसको लिखना चाहिएगा आप लोग अच्छी तरह से, तो देखिए क्या लिखा हुआ 3 tan इनवर्स x, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x + 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, क्योंकि दो में जोड़ेंगे तो 3 आ जाएंगे, tan इनवर्स x + 2 tan इनवर्स x का फार्मूला जानते हैं उससे पहले, इसलिए या चूंकि कर दिए 2 tan इनवर्स x = और लाइक है कॉलम लिख देंगे, उसके बाद tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x - 1 - x² इस टर्म में क्लिक कर दीजिएगा एलएचएस, तो चेक करने वाला पूरी खुश हो जाएगा, अच्छी तरह से 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे, अब हम लोग क्या नंबर क्वेश्चन 7 देख लिया, 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा पढ़े हैं tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = 5। यह तीन फार्मूला आप लोग को बहुत ही बेस्ट, इससे लगभग आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग तीन क्वेश्चन कर दिया है इससे रिलेटेड, कभी इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, कभी वो एक फार्मूला टर्म से मिलेगा, दो क्वेश्चन हुआ कभी एक मेंशन करके रहेगा, तीन क्वेश्चन। ठीक,
आजान क्वेश्चन आपको पूछा जाता है आपको एग्जाम। तो देखिए, तो sec इनवर्स x + cos इनवर्स x हो गया होगा 5/2। क्या हो जाएगा cos 5/2। तो cos 90 डिग्री कितना 0, ठीक। sin 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0, ठीक। तो आप लोग देखेंगे नॉन नंबर क्वेश्चन। देखिए नॉन नंबर क्वेश्चन की ओर लोग करते हैं। एग्जांपल जैसे उदाहरण नंबर 9, sin 3π/5, ठीक। sin 3π/5, अब हम लोग इसको क्या कहता है क्वेश्चन को देख लीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का मतलब है कि छोटा रूप में कुछ मान ज्ञात करना, इसका साइन के फॉर्म में लेना है, ठीक। तो देखिए साइन इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे, सिर्फ रेंज के टर्म में, रेंज या डोमेन की बात में करेंगे तो उसमें भी जाएगी, या आप लोग जानते हैं डिग्री की टर्म में आपको बात करना है, बिल्कुल बात करना ही करना है डिग्री की टर्म में, ठीक। रेडियन के टर्म में बात करना, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस 2π/5। देखिए क्योंकि पाई में से 2π/5 घटाएंगे, जैसे दिन को घटाओ कर देंगे, पाई माइनस 2π/5, तो 5π माइनस 2π/5, 3π/5 आ गया, यहाँ पर 3π/5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी अब हम लोग क्या करते हैं, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया वहाँ पर। तो देखिए इसलिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, या किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस है पॉजिटिव होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2π/5 हो जाएगा, ठीक। आप जानते हैं समीकरण ये हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट प्रॉपर्टी, sin cos sin x बराबर x, क्या होगा 2π/5, आप लोग का 2π/5 आंसर हो गया, ठीक। अब हम लोग 2π/5 ऑलरेडी आंसर आज आप लोग, हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कल की तीन वीडियो आप लोग ने इसका भी देख लिया तो बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक। देखिए साइन इनवर्स 3, 10 नंबर साइन इनवर्स 3/5 प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85 कितना दिया हुआ, ठीक। तो अब हम लोग करना है क्या, प्रूफ करना है, इसमें यही पूछ रहा होगा, प्रूफ करना दर्शाइए कि यानी प्रूफ दे करना है, ठीक। जब इसको साइन के टर्म में दिया हुआ, ठीक, दोनों साइन के टर्म में, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में प्रूफ करना है। अगर हम लोग कॉस में चेंज कर ले पहले वह भी बेहतरीन, या नहीं तो एल एच एस इज इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, इसको इसी तरह हम लोग साइन इनवर्स जैसे अब कल फॉर्मूला पर लिखें, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूला पर बैठा दें। देखिए साइन इनवर्स एक्स के ऊपर 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर 8/17 का स्क्वायर माइनस वाई का 8/17 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर, कितना कर सकते हैं, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 8/17 माइनस 8/17 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 3/9 5/25, ठीक, कितना कर सकते हैं। तो लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 इंटू, देखिए 289 में से तीन का घटाव करेंगे 1 - 64/289, तो 289 माइनस 64/289 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 5 225/289। अभी सब रूट में है,
रूट में तो निकलेगा 225 किसका उसका 15 का 15 बटे 17 क्या देगा यहाँ पर 15 बटे 17 माइनस 8 बटे 17 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 9 बाय 25 25 माइनस 9 बाय 25 क्या 16 बाय 25 इसका रूट निकालेंगे तो 4 बटे 5 क्या देगा 4 बटे 5। अब हम लोग इसका कर लेते हैं साइन इनवर्स 15 किया 45 17 बचे 50 माइनस 8 चौके 32 बटे 17 बचे 50 अब इसका लिंक का घटा कर लीजिए साइन इनवर्स 45 माइनस 32 बटे 50 क्या देगा साइन इनवर्स 5 में 2 गया 3 4 में 13 बटे 50 आप लोग का आया साइन इनवर्स 13 बटे 50 यहाँ कॉस इनवर्स 84 बटे 50। तो देखो साइन के टर्म में आया आप हम लोग लास्ट में लेट करके देखिए या शुरू में भी कर सकते हैं यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए अभी जो मेथड बनाने हैं वो अभी अच्छा है ठीक बहुत बेहतरीन मेथड। अगर साइन के टर्म में फॉर्मूला पता है साइन के टर्म में पहले लगा दीजिए कॉस का नहीं आता है रहेगा तब पर भी बना सकते हैं। देखिए बता दें आप लोग का जो आंसर आया एनएचएस टर्म से चल रहे थे आया साइन इनवर्स 13/85 ठीक। अब हम लोग इसको लेट कर लेंगे लेट क्या कर लेंगे लेट करेंगे जैसे साइन इनवर्स 13/85 इज इक्वल टू ए मान लीजिए तो क्या हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू उस साइड जाएगा हो जाएगा 13/50 इज इक्वल टू साइन ए हो जाएगा तो क्या साइन ए इज इक्वल टू 13/50 यह ऊपर साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच पी निकला एक बार आप लोग बी एस निकालना है बी तो क्या होता है एच रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एच है 85 का स्क्वायर 25 नॉट है 72 माइनस 13 का स्क्वायर 169 169 हो गया घटा लीजिए तो 15 में 9 गया 6 11 में 5 उसके बाद 2 बचा कितना 1 में 0 70 6 बने 84 में 84 चार चौथे को लेने की 84 का वर्गमूल 1756 होता है। अब हम लोग निकाल लेंगे क्या निकालेंगे कॉस कॉस ए इक्वल टू क्या होता है इसे भी निकाल देंगे यहाँ से कॉस ए इक्वल टू होता है बी बटे एच बी का वैल्यू कितना है निकला है 84 एच दिया हुआ है 50 क्या 50 दिया हुआ है 50 तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 84 बटे 50 84 बटे 50 कितना है ए का वैल्यू इसको मिटा देते हैं तो ए को इक्वल में हम लोग क्या माने साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 13 बटे 50 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84 बटे 50 आरएसएस पूछता है आगे कर सकते हैं या आप लोग यह मेथड या बहुत ही अच्छा साइन के टर्म में पहले फॉर्मूला तो याद रहेगा करेगा अगर कॉस के टर्म में डायरेक्टली करना चाहते हैं तो देखिए जस्ट अभी जो हम लोग लेट किए उसी टर्म में आप लोग को लेट कर लेना है इसको ए के इक्वल इसको बी के इक्वल और कॉस ए इंटू कॉस बी फिर सब कॉस ए एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स y is equal to cos inverse x to y minus root under 1 minus x square plus होता है माइनस में प्लस और प्लस में माइनस होता है ठीक ये फॉर्मूला याद रखना अनिवार्य है ठीक। तो देखो अब हम लोग क्या नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग करते हैं ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई अगर एक बार में सॉल्व करे तो वह बहुत हलचल में जाएगा क्वेश्चन देखेगा कहेगा कि प्रूव हो गया कहेगा प्रूव हो गया लेकिन जब आएगा तो क्वेश्चन याद दिला देता है ना नहीं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई ठीक इतना दिया होगा 11 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर पाई के टर्म में है तो कोई करेगा टेन का टर्म है छोटका वैल्यू देता है कुछ न कुछ देगा सबके मन में यह आएगा सब कर लेगा लेट करके टेन के टर्म में ले जाएगा
किसी को x plus y plus z का फॉर्मूला, tan x plus y का फॉर्मूला पता है, tan inverse x tan inverse y inverse z का फॉर्मूला, tan inverse x tan inverse y के टर्म में तो वह बना लेगा, लेकिन लास्ट में जाके जाएगा खरा, आंसर आएगा नहीं। तो देखिए क्या करना, सबसे पहले ये करना उचित है, sin inverse 12 बटे 13 is equal to x मानिए, इसको मान लीजिए cos inverse 4/5 इज इक्वल टू y, tan inverse 63/16 इज इक्वल टू z, यानी कि क्या हो जाएगा, tan उस साइड जाएगा तो tan z इज इक्वल टू 63/16, ये हो जाएगा cos y इज इक्वल टू 4/5, ठीक, कि sin x इज इक्वल टू 12/13, जैसे sin उस साइड जाएगा sin inverse उस साइड x हो जाएगा तो 12/13 sin x इज इक्वल टू 12/13, ठीक। अब हम लोग देखा है यहाँ पर tan z है, sin x है, sin y है, तो sin tan भी x y z होना चाहिए, z है तो यहाँ से देखिए इसमें क्या पता है, p पता है, h पता है, x के लिए, y के लिए b पता है, h पता है, p नहीं पता, इसके लिए पहले b निकाल लीजिए, b निकालिए h square minus p square, 13 square 169 minus 12 स्क्वायर 144 कितना देगा 25, कितना आया 5। आप देखिए हम लोग टेन एक्स निकाल सकते, टेन एक्स का क्या होता है पी बटे बी लम बटे आधार, पी कितना 12/5, एक्स निकल गया। आप टेन वाई निकालना चाहेंगे तो पहले बी इसमें पी निकालेंगे, क्या होगा एच स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर माइनस 16 क्या देगा 9, यानी कि 3 निकलेगा, तो टेन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग जानते हैं tan x plus y क्या हो जाएगा, tan x plus tan y बटे 1 माइनस tan a tan x into tan y, ठीक। अब हम लोग फॉर्मूला से प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए ऊपर बता देते हैं क्वेश्चन, फॉर्मूला आप इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, सब जो लिख दिए हैं वो याद रखिएगा। तो क्या है tan x plus y is equal to tan x, tan x क्या आया था 12/5, tan x का वैल्यू 12/5, y का वैल्यू क्या आया था 3/4 बटे 1 माइनस क्या है tan x into 12/5 into 3/4, यहाँ आ गया। अब इसका मीटा जोड़ कर दीजिए, ठीक, अब इसको भी मीटा दीजिए, सिर्फ याद रखिएगा कि इसको किसको माने, इसको माने x के पर में, इसको y के पर, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 20 = 4, 12 × 48 प्लस 5 × 15 हो जाएगा 20 माइनस 12 × 36 बटे 20, चौथा से तीसरा खत्म, क्या आया tan x plus y is equal to क्या आ गया, इसको जोड़ लेंगे तो 5 × 8 = 4 × 5 = 6 − 16 है। तो देखिए tan z का जो वैल्यू आया, लेट किए थे इसको z के अप्रोक्स में, तो क्या आया था, तो tan z is equal to tan z is equal to 63/16, तो tan z is equal to 63/16 आया, ठीक। आई माइनस देखिए इसको कर लेंगे माइनस, बाहर कर लेंगे तो 63/16, तो tan z का जो कर लेंगे तो tan x plus y is equal to 0, x plus y is equal to क्या हो जाएगा, ये tan उस साइड चल जाएगा तो माइनस tan inverse 63/16, तो tan inverse
इस 63 16 को क्या माने थे, जेड माने थे। यहाँ पे जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड हो जाएगा, माइनस जेड लिख सकते हैं। अब टेन माइनस जेड देखिए इसको आगे पीछे जमा कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल माइनस लिख सकते हैं। अब हम लोग माइनस जेड को लिख सकते हैं, लेकिन टेन यहाँ पर